Hello, welcome. This is One India News and I am Akash. Parents and guardians of school-going students are in fear after Karni Sena allegedly attacked a school bus in Gurugram yesterday. Many parents dropped their children to school amidst fear to the lives of their young ones. बहुत महसूस हो रही है दर्द तो हमको भी कि कहीं यहाँ पे ना हो हम इसलिए खुद आए हैं छोड़ने देखते हुए आए हैं कि कहीं इधर भी कोई वो तो नहीं है जी इसलिए हमें भी बहुत दहशत है हमारे अंदर भी सबको मन में डर तो है जी बच्चे जा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग जो कि मतलब ठीक बात नहीं है आप खुद छोड़ने रोज आते हैं या फिर आज इस सुरक्षा के नज़रिए से खुद ही छोड़ने आए हैं नहीं खुद ही छोड़ने आए हैं सुरक्षा के नज़रिए से एक पैनिक तो है एटलीस्ट कि जब गुड़गांव में हो सकता है तो यहाँ पे भी पास में ही सिनेमा घर है पास में ही तो एटलीस्ट पर इसमें सिनेमा अभी तक डर के मारे इन्होंने लगाई नहीं है मूवी अगर कल को ये मूवी लगती है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है नियर बाई में स्कूल है तो पैनिक तो रहता है कई बार वैन से आते हैं हमारे बच्चे तो आज तो स्पेशली मुझे लगा कि खुद ही छोड़ना जरूरी है क्योंकि कल नेशनल फेस्टिवल भी है हमारा जब इतनी अनसेफ्टी बच्चों के प्रति है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि खुद से आए और खुद छोड़े ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप अपने करनी सेना कोई फॉरन कोई और कंट्री की थोड़ी है उस सिचुएशन में किसी को चोट लग जाए कोई मरमरा जाएगा तो बाहर कर तो कुछ नहीं सकता उस वक्त तो नहीं कर सकते ना कुछ भी बस में जो भी कुछ हो जाएगा हादसा बाद की बातें बाद में भी देखा किसने लोग दुनिया के लोग मरते भी हैं Meanwhile, workers of the self-proclaimed Karni Sena have led protest and violence across parts of the nation, alleging that the movie Padmavat distorts historical facts and hurts sentiments of Rajput community. Meanwhile, the Sanjay Leela Bhansali-directed movie released amidst tight security on January 25th. Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News channel.